हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 9A का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने थर्ड तक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम लोग ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है पार्श्व चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं तथा T एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 30 अंश, शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दे दिया है कोण 1 का मान केवल दिया है 30 अंश, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का मान बताना है। हमने ऐसा आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था किस कोण को क्या कहते हैं, कौन कौन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो वहीं से सारा अब हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखिए कोण 1 का मान केवल दे दिया है 30 अंश, यहाँ केवल दे दिया है ये कितना 30 अंश, बाकी सबको इसी से अब पता करना है हमको। तो ध्यान देंगे पहले 1 और देखिए 3 बराबर होते हैं, क्यों? कई तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हमने कोणों का मान बताया था नाम। देखिए कोण 1 और 3 हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, हमने बताया था जब ऐसे क्रॉस करता है दो लाइन तो आमने सामने जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख होते हैं। तो 1 और 3 शीर्षाभिमुख हैं तो दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब 1 अगर 30 अंश है तो 3 भी 30 अंश का होगा, तो यहाँ 3 निकल गया। अब देखिए 3 और 5 दोनों एकांतर कोण होते हैं। ये देखिए ऊपर इस साइड में, ये नीचे इस साइड में, तो एकांतर कोण इसको कहा जाता है। तो 3 और 5 भी बराबर होंगे, तो जब 3 हो गया 30 अंश तो 5 भी 30 अंश होगा। 5 के बराबर फिर से देखिए 7 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख है तो ये 30 अंश होगा, तो ये भी, तो ऐसे 1, 3, 5 और 7 निकल जाएंगे। हमको 2, 4, 6, 8 निकालना है, तो ये 2 तो पता है नहीं, तो सबसे पहले हम 2 को निकालेंगे, कोण 2 को। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था आप लोगों को कि एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण, वहां से हम लोग कोण 2 को निकाल लेंगे। ऐसे हमने बताया था, मान लीजिए एक कोई रेखा है, इस पर अगर ऐसे कोई लाइन है किधर से भी सीधा या टेढ़ा, तो यहाँ और यहाँ वाले कोण रेखीय युग्म हमने बताया था। तो रेखीय युग्म में के जो होता है वो बराबर नहीं होता है, ये दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, ये हमने लास्ट में उस दिन नहीं बताया था 180। तो रेखीय युग्म में भी याद रखेंगे आप लोग, दो कोणों को जोड़ने पर 180 होगा और अंतः कोण में भी जोड़ने पर 180 होता है, ये याद रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कोण 2 निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहां से देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होगा, क्यों होगा? यहां आगे उसका कारण लिख देंगे, कोई चेक करने वाला कैसे समझेगा कि क्यों 1 प्लस 2 180 है, तो यहाँ मझले ब्रैकेट में उसको लिख दिया जाता है किस कारण से ये दोनों है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, रेखीय युग्म, रेखीय युग्म के कारण। रेखीय युग्म हमने बताया था कि चाहे ऐसे ऐसे रेखीय युग्म होगा, चाहे ऐसे ऐसे रेखीय युग्म होगा, और रेखीय युग्म जब होगा तो दोनों कोणों को जोड़ने पर उसका मान होता है 180। ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे आप लोग। उसको रेखीय युग्म में हमने उस दिन इंट्रोडक्शन काफी बड़ा था तो उसमें हमने लास्ट में ये बताया नहीं था 180 अंश, हमने सोचा क्वेश्चन में बताने के लिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि रेखीय युग्म होंगे तो दोनों कोणों का मान जोड़ने पर 180 होता है, और अगर अंतः कोण होंगे तब भी जोड़ने पर 180 होता है। तो यहां से देखिए 1 प्लस 2 बराबर 180, हमने 1 का मान हमको पता है क्या 30 अंश है, तो हम लोग 1 के जगह पर 30 अंश रखेंगे और प्लस कोण 2, और ये भी याद रखेंगे
ये दूसरा नंबर होता है अंश और ये कोण दूसरा। अब ये नहीं कि 30 और 2 32 या 1 2 3 कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं इसको, ये कोण है। तो बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहां से देखिए हमको कोण 2 का मान निकालना है, 30 को जब पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर करेंगे तो ये प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहां बच जाएगा कोण 2 बराबर, यहां 180 है, ये 30 जब इधर आया तो माइनस 30 होगा, 30 अंश है ये। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा, देखिए 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 अंश। कोण 2 बराबर हो गया कितना, 150 अंश। अब ये हमको पता हो गया 150 अंश। देखिए ये दोनों कोण रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म जब होंगे तो दोनों को जोड़ने पर 180 होता है, 180 में से ये 30 दे दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा। 180 में से घटा लेंगे, वही काम यहाँ हुआ है, ऐसे मैथ के भाषा में लिखते हैं। अब हम लोग कोणों का मान निकालेंगे, लिखेंगे कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोण 1 और 5 भी बराबर होते हैं संगत कोण के कारण, तो जैसे चाहेंगे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, लिखेंगे अतः कोण 1 बराबर कोण 3, 1 और 3 बराबर होंगे क्यों, कारण जरूर लिखेंगे। अब 1 का मान 30 अंश है तो 3 का भी मान कितना हो जाएगा, यहां ही लिख देंगे 30 अंश। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 30 अंश, मीन दोनों 30 अंश के होंगे, यहां कारण लिखते जाएंगे सबका, शीर्षाभिमुख। हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे जब लाइन रहता है आमने सामने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए आमने सामने 1 और 3 बराबर होंगे, ये 30 तो ये भी 30। अब निकाल लेते हैं, यहां से भी 5 निकाल सकते हैं, यहां से भी, यहां से एक अंतर कोण से बराबर होगा और 1 और 5 दोनों संगत कोण भी हमने बताया था, इस लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर, ये भी देखिए इसी लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर, तो संगत कोण है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 30 अंश, 1 30 अंश है तो 5 भी 30 अंश होगा, कारण यहां जरूर लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कारण लिखना होता है ब्रैकेट में मजले, संगत कोण है। तो अब देखिए 1 से 3, 1 से 5 भी निकल गया, अब हम 7 भी निकाल सकते हैं, 5 और 7 दोनों फिर से शीर्षाभिमुख हैं, तो लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर 30 अंश, यह है शीर्षाभिमुख। तो देखिए इसमें 1 3 5 और 7 निकल गए, सब 30 30 अंश के हो गए। अब 2 4 6 और 8 को निकालना है, तो 2 हमने यहां ऊपर निकाल लिया है 150 अंश, तो 2 का देखिए शीर्षाभिमुख उसके हमने सामने का है 4, तो वो भी 150 अंश होगा। लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर, 2 का मान 150 है तो 4 भी 150 अंश हो जाएगा, किसके कारण, 2 और 4 दोनों शीर्षाभिमुख हैं। फिर देखिए 2 और 4 हो गया, 2 और 6 संगत कोण होते हैं, ये ऊपर, ये इस लाइन के बगल में, इसी लाइन के बगल में, इसके ऊपर है तो संगत कोण है। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर 150 अंश, ये संगत कोण है। अब देखिए 2 और 6 हमने निकाल लिया, 2 और 4 निकाल लिया, अब 8 है तो 6 और 8 देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण, ये देखिए हमने 6 निकाला, 6 से 8 निकाल लेंगे, यहां लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 150 अंश,
किसके कारण से? शीर्षाभिमुख। तो देखिए सभी कोणों का मान हमने निकाल लिया, तो ऐसे आप लोग पहले समझेंगे कौन किसके बराबर है किस कारण से। यही कारण है जो संगत कोण, एकांतर, शीर्षाभिमुख हमने बताया था। तो कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही निकालेंगे, कई तरह से निकल सकता है रूल के हिसाब से, तो जैसे चाहेंगे वैसे निकाल सकते हैं, सारा यूज हो सकता है जितना हमने बता दिया। आंसर लिखना चाहेंगे तो ऐसे सीधा में लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 30 अंश है, 2, 4, 6, 8, 150, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर 30 अंश, कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 150 अंश, यही आंसर लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, समझ में आ चुका होगा। इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा ये, इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन में पहले इसको बता दिया था। अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 5 देखेंगे। इसमें देखिए दिया है पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए ए बी और सी ये कह रहा है एक त्रिभुज है, तथा बी डी भुजा, ये बी और ये डी, ये जो बी डी भुजा है ए सी के समांतर है, इस ए सी के समांतर ये बी डी है। देखिए ये समांतर का चिन्ह भी लगा हुआ, हमने कल बताया था। तो ये समांतर है दोनों रेखा, कोण ए सी बी 30 अंश दिया, देखिए ए सी बी 30 अंश दिया है, तथा कोण ए बी डी, कोण ए बी डी 28 अंश दे दिया है, यहाँ 28 अंश दिया है। कोण ए बी सी अब पूछ रहा है कोण ए बी सी डी बी के और बी ए सी के मान बताइए। तो पहले तो आप लोग एक बात ये ध्यान में रखेंगे कोण को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है, पहले उसको देखिए। जैसे मान लीजिए हमको ये कोण का नाम लिखना है, ये वाला कोण, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखा ऐसे जाता है, देखिए इसका नाम हमको लिखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, बी ए सी, कोण बी ए सी, या ऐसे लिख सकते हैं सी ए बी, सी ए बी, इसी को हम लोग दोनों तरफ से लिख सकते हैं। मेन क्या होता है, जिस कोण को लिखना होता है वो हमेशा इस लिखने में बीच में आना चाहिए, बीच में, ठीक है, और दो रेखाओं के बीच में ही होना चाहिए वो जिस कोण का नाम लिखेंगे। अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो बी सी नहीं, बीच वाला जो नाम होगा वही कोण माना जाता है। और कैसे जानेंगे तो पढ़ेंगे, देखिए जहां से शुरू है बी से शुरू है बी, उसके बाद ए है, तो ए तक हम पहुंच गए, सी तक पहुंच गए, मीन्स इस दो रेखाओं के बीच जो कोण आया वही कोण। यहाँ तो देखिए दिया है ए सी बी, देखिए ए सी बी दो रेखाओं के बीच में कोण ये आया, तो देखिए 30 अंश दिया है। ए बी डी, ए बी डी बीच में ये कोण आया तो 28 अंश देखिए दिया है। तो इसी तरह से अब पूछ रहा है कौन कौन सा कोण, पहले फिगर में देखेंगे, पूछ रहा है ए बी सी, इसका मतलब कौन सा कोण। देखिए ए से शुरू करेंगे, ए से आए मान लीजिए हमने यहाँ तक आ गए, कहाँ तक, बी तक, यहाँ तक हम आ गए ए से बी तक, फिर कहाँ जाना है, बी से सी तक, मीन्स इस दोनों रेखाओं के बीच कौन सा कोण आया, ये कोण आया, ये पूछ रहा है ये वाला कोण। देखिए ए बी सी, ए बी सी मीन्स ये वाला कोण पूछ रहा है डी बी के। अब देखिए डी बी के ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण, हम ऐसे बना रहे हैं कि समझ जाएंगे कौन कौन पूछ रहा है। फिर देखिए बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण पूछ रहा है, तो यही तीनों कोण पूछ रहा है, देखिए ये और ये। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ दो कोण दिया है तो इसी का यूज करके निकालना है,
और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब समांतर रेखा दिया तो हमने समांतर रेखा के लिए सब कुछ रूल बता दिया, कैसे निकालेंगे तो सोचेंगे कौन से किस कोण से किसको हम बराबर कैसे दिखा सकते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं है एकदम सीधा में ही हो। देखिए दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटेगा तो जितने कोण हमने बताया था एकांतर कोण संगत कोण वो सब क्या होंगे, बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम यहां से इसको निकाल सकते हैं कैसे, ये वाला ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे फिगर बना हुआ है, ये वाला हो गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया। देखिए केवल इतना आप लोग ध्यान देंगे, नाम लिखते हैं सी ए, यहां बी और यहां डी। अब इस फिगर को आप लोग ध्यान दीजिए, यही फिगर को हमने अलग किया हुआ वहां से, यहां पर देखिए दे दिया है 28 अंश, आया कुछ समझ में? तो ये और ये कोण कौन से कोण बनेंगे, हमने कोणों का नाम एकांतर संगत शीर्षाभिमुख बताया हुआ था। तो जब आप लोग देखेंगे दो समांतर रेखाएं हैं, देखिए दो समांतर रेखाओं में ही बनेगा, दो समांतर रेखाओं को देखिए एक रेखा ऐसे काट रहा है, ये तिर्यक रेखा है, जैसे हमने इस तरह से बताया था आप लोगों को, ये दोनों समांतर रेखा थे तो ये एकांतर कोण कहते हैं। तो यहां भी देखिए एकांतर कोण बना है, यहां भी एकांतर कोण, तो मींस जब ये 28 है तो ये भी क्या होगा, 28 अंश होगा। क्यों? तो एक कोण हमने निकाल लिया, एकांतर कोण आप लोग जानते हैं बराबर होते हैं, तो जब ये 28 तो ये भी 28, एकांतर कोण होने के कारण देखिए एकांतर कोण बन रहा है, एक यहाँ नीचे की तरफ इस साइड में तो ऊपर की तरफ उस साइड में, तो एकांतर कोण इसको कहते हैं। तो हमने तो एक निकाल लिया, ये दोनों बराबर हो गए, यही निकालना था। अब ये और ये कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, संगत कोण हमने बताया था आप लोगों को, संगत कोण क्या होते हैं, देखिए दो समांतर रेखाओं में ही देखते हैं, समांतर रेखा में इस रेखा के देखिए नीचे और इस रेखा के पास है ये कोण, तो देखिए इस रेखा समांतर रेखा के नीचे था तो समांतर रेखा के नीचे, और इसी रेखा के इधर तो इसी रेखा के इधर, तो ये दोनों कौन सा कोण हो जाएंगे, ये और ये संगत कोण होंगे, तो संगत कोण से बराबर होंगे। संगत मींस एक जैसा, हमने ऐसे बताया था आप लोगों को कि यहां देखिए ये कोण और ये कोण संगत होते हैं, फिर ये कोण और ये कोण संगत होते हैं, फिर इसी तरह इधर देखेंगे तो ये और ये संगत होंगे, फिर यहां नीचे से ये दोनों संगत होंगे, मींस एक जैसे संगत समान जैसे होंगे, तो ये दोनों संगत कोण हो गए, इससे बराबर हो जाएंगे। तो हमको एक और दो हमने निकाल लिया है, अब केवल हमको ये ही एक निकालना है। तो ये एक आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे आप लोग जानते हैं, जब एक ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे, ये तीनों कोण त्रिभुज का जोड़ने पर 180 अंश होता है, यहाँ 30 अंश है, यहाँ हमने निकाल लिया है 28 अंश, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, 30 और 28 जोड़ के 180 में घटाएंगे। तो अब वही देखते हैं हम लोग कैसे इसको लिखना है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फिगर पर, इसको इसको हमको बराबर दिखाना है, तो कौन सा कोण है, ये डी ए बी डी है, देखिए दिया है इसमें नाम ए बी डी बराबर 28 अंश, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, इसको चूंकि कहते हैं, लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर, ये जो कोण ए बी डी दिया है, यहां से देखिए कोण ए बी डी दिया है, ये बराबर है इस कोण के, इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे, चाहे बी ए सी लिखा चाहे सी ए बी लिखा, तो यहाँ क्वेश्चन में बी ए सी नाम दिया तो बी ए सी ही हम लिख रहे हैं, तो लिखेंगे बराबर कोण बी ए सी। अब बराबर कितने अंश का होगा, जब ये 28 है तो ये भी 28 अंश, यहाँ कारण जरूर लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कारण लिखना होता है, किस कारण से ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे एकांतर कोण। अब देखिए हमने एक कोण यहां से निकाल लिया, ये बी ए सी को, अब ये दोनों कोण निकालना है, तो देखिए
ये और ये संगत कोण है अभी हमने बताया, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ACB चाहे BCA। इसमें नाम देखिए कौन सा नाम दिया हुआ है, 30 अंश वाला ACB देखिए दिया है, ACB। तो लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे चूंकि कोण ACB बराबर, देखिए ACB नाम दिया है तो ACB बराबर कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा DBK। यहाँ नाम देखिए DBK दिया है तो बराबर होगा कोण DBK बराबर कितने अंश का, ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश। आगे कारण जरूर लिखेंगे, संगत कोण है दोनों तो संगत कोण के कारण। अब देखिए दो कोण हमने निकाल लिया BAC और DBK, अब हमको केवल निकालना है कोण ABC, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण। अब ये कोण निकालने के लिए हम लोग ये त्रिभुज को ले लेते हैं, यहां हमने 28 निकाल लिया, यहां 30 है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब किसमें हम लोग निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। कोणों का नाम लिखते हैं हम लोग, क्या क्या नाम लिखेंगे, ये देखिए दिया है ABC वाला, ये वाला कोण निकालना है कि ये हो गया BAC, इस कोण का नाम क्या है BAC, तो लिखेंगे कोण BAC प्लस ये, अब ये लिखेंगे इसका नाम क्या है ACB, कोण ACB फिर प्लस ये कोण हमने लिखा, ये कोण लिखा, अब ये कोण का नाम क्या हो जाएगा ABC, कोण ABC बराबर 180 अंश। त्रिभुज ABC में जब हमने लिख दिया तो हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, तो लिखेंगे कोण BAC प्लस ACB प्लस ABC बराबर 180 अंश। अब देखिए किसका किसका मान दिया है उसका रख लेंगे, BAC देखिए हमने BAC निकाला है कितना 28 अंश, तो इसके जगह पर लिख लेंगे 28 अंश प्लस ACB, देखिए ACB हमने निकाला है 30 अंश तो इसके जगह पर 30 अंश प्लस, ये हमको पता करना है देखिए ABC ये पता नहीं है, कोण ABC यही रहने देंगे बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे ये दोनों जोड़ लेंगे तो 30 और 28 हो जाएगा 58 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। हमको ABC निकालना है तो देखिए 58 जब है अंक वाला एक तरफ करते हैं, इसको इधर भेज लेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर 180 पहले से है, ये 58 जब इधर आएगा तो माइनस में 58 अंश होगा, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 में से 58 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 122 अंश। तो देखिए हमने सभी कोणों को आसानी से निकाल लिया है, रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को ध्यान से आप लोग समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही सोच सोच के कौन सा कोण बन रहा है कौन किसके बराबर है उसी से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप लोग देखिए आंसर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो जो पूछा था ABC पूछा है तो ABC देखिए आ गया है 122 अंश, तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं, लिखेंगे कोण ABC बराबर 122 अंश, DBK पूछा है लिखेंगे कोण DBK बराबर, देखिए यहां DBK दिया है कितना 30 अंश, BAC पूछा है कोण BAC का मान लिखेंगे, यहां से देख लेते हैं कहां है BAC 28 अंश, यही आंसर हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज 9A का हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है पार्श्व चित्र में R लंब, ये लंब का साइन है, हमने
इससे पहले वाले पाठ में इसको बताया था आर लंब पी। लंब का मींस क्या होता है देखिए उसको भी समझ लीजिए। दो रेखाओं को लंब कब कहते हैं? जब दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन जाए, चाहे इधर कहीं भी। दो रेखाएं एक दूसरे के लंब कब कहलाएंगे? जब दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता हो, तो उसी को लंब कहते हैं। लंब का चिन्ह ये होता है आर लंब पी। देखिए आर लंब पी, पी ये रेखा है और आर कह रहा उस पर लंब है, मीन्स देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है। फिर आर लंब क्यू, यही जो आर रेखा है ये क्यू वाले पर भी लंब है, देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है। तो आगे दो क्वेश्चन पूछ रहा है और दोनों का उत्तर बताना है हल में। कह रहा है क्या पी समांतर क्यू, कह रहा है क्या पी और क्यू दोनों समांतर होंगे और क्यों, कारण भी बताना है। फिर यहाँ देखिए ये समांतर का चिन्ह है। फिर यहाँ देखिए यदि पी समांतर क्यू, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है अगर पी और क्यू दोनों समांतर हैं तो दिया है 1 = 63 अंश, तो कोण 2 का मान पूछा है कितना होगा, तो कैसे बताएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या P और Q दोनों समांतर होंगे, यहां ऊपर दे दिया है कि R लंब है P पर भी और R लंब है Q पर भी, तो कह रहा है P और Q दोनों समांतर होंगे कि नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे हम लोग कि P और Q दोनों समांतर होंगे। क्यों, ध्यान दीजिएगा, जब ये लंब है इस पर भी और लंब है इस पर भी, यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है देखिए, और लंब है तो 90 अंश का बनेगा, यहां भी 90 अंश का, और जब दोनों ये कोण बराबर हैं, जब दोनों कोण तो ये देखिए संगत कोण है, इसके नीचे और इसके ऊपर, इसके नीचे और इसके ऊपर दोनों संगत कोण है, और संगत कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तभी तो संगत कोण बनते हैं। तो लिखेंगे पहले वाले में लिखेंगे P समांतर Q पूछा है, तो लिखेंगे हाँ P समांतर Q है, क्योंकि कारण पूछा है क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि संगत कोण बन रहा है, लिखेंगे क्योंकि संगत कोण, या 90 अंश लिख लेंगे, बन रहा है, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। संगत कोण तभी बनते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं, तो देखिए संगत कोण दोनों बन रहे हैं इसलिए लिख लेंगे रेखाएं समांतर हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है यदि P समांतर Q, अब कह रहा है अगर P और Q दोनों समांतर हैं, इस क्वेश्चन में दे दिया समांतर, कोण 1 = देखिए दे दिया 63, तो 2 पूछ रहा है, तो जब देखिए दो रेखाएं समांतर हैं और उसको एक रेखा देखिए काट रहा है ऐसे T, तो यहाँ ये दोनों कौन से कोण होंगे, ये भी संगत कोण है, इसके नीचे तो इसके नीचे, इसके बगल में, इसके बगल में, देखिए दोनों संगत कोण के कारण बराबर होंगे, तो जब एक 63 दे दिया तो 2 भी 63 होगा, लिखेंगे कोण 1 = कोण 2 = 63 अंश। आगे कारण लिख लेंगे, संगत कोण, संगत कोण के कारण दोनों बराबर हैं तो 63 अंश, कोण 2 पूछा है तो लिखेंगे इसलिए कोण 2 = 63 अंश, यही आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर 9 ए पूरा कंप्लीट हुआ, आप लोग ध्यान से इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो चीज हमने बताया उसको देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में आप लोग 9 का भी देखेंगे।